अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है थ्रेड चलाकर, एंड थ्रेड से आपको हेयर रिमूव करना भी आ गया है। उसके बाद आप आईब्रो कैसे बनाएंगे, तो इस तरह की न्यू ग्रोथ वाली आईब्रो होगी ना, उसको आप पहले बनाइए। उसके बाद आप लोग फुल ग्रोथ आईब्रो को भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, एंड नीचे की साइड से हल्के हल्के से जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना, बस वही निकालेंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो बस हल्के से हेयर को निकालेंगे। जैसे हम थ्रेड को रखते हैं आईब्रो पर, वैसे हमें शेप भी पता चल जाता है, एंड एक से दो हेयर निकालने के बाद ऑटोमेटिकली शेप शेप बन जाता है। तो देखिए, अगर हम आपको बहुत अंदर के हेयर निकालना है ना, तो इस तरह का जो फंदा बोलते, क्या बोलते इसको, उसको हम आईब्रो के बीच में लेकर जाएंगे। एंड देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, एंड वही हेयर को इस वी शेप में लेंगे जो मेरे फ्रंट में दिख रहा है वी शेप, इसमें लेकर हम इसको उसी हेयर को लेंगे जो हमें निकालना है। देखिए किस तरह से कर रही हूँ, सेम आप इसी तरह से करो। अगर आपके पास 15 डेज वाली आईब्रो आएगी ना, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन से हेयर एक्स्ट्रा है एंड कौन से निकालना है, कौन से रखना है। तो बहुत इजी होता है आईब्रो थ्रेडिंग करना, बस इसकी टेक्निक को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए एक बार। इसी तरह से एंड तक जाएंगे, एंड मेन पॉइंट क्या है, एंड के जो हेयर होते हैं, लेंथ होती है, उसको कभी भी कम नहीं करेंगे किसी की भी। अगर आपको बोल रहे हैं कि आईब्रो का लेंथ कम कर दो, तो ही कम करेंगे, अदरवाइज लेंथ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद देखिए, अगर एक बार आईब्रो पतला हो गया तो आप उसको मोटा नहीं कर सकते, बट मोटा है तो उसको आप पतला कर सकते हैं। ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, एंड इसी तरह की आईब्रो से आप अच्छे किसी भी टाइप की आईब्रो को बहुत इजीली थ्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पता नहीं मेरे समझाने का तरीका कैसा है। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके बताना एंड कमेंट करना। ऊपर की साइड पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड पर हम इस तरह से हल्के हल्के से हेयर निकालेंगे, नीचे हो या ऊपर हो, एक साथ ज्यादा हेयर नहीं निकालना है कभी भी। ये गलती कभी नहीं करना, एक साथ ज्यादा हेयर निकालने की, थोड़े थोड़े से करके निकालेंगे। टेक अ टाइम, इसमें टाइम बहुत मैटर करता है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा दो, पर काम अच्छा करो, बिकॉज हमारे मेन फ्रेम होता है फेस का आईब्रो, तो इसको कभी भी खराब नहीं करना है किसी की भी आईब्रो को। तो टाइम लेकर काम करना है, एंड उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा हेयर ऊपर की साइड पर बड़े लॉन्ग दिख रहे, उसको हम सीजर को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर कट कर देना है, इस तरह से जैसा मैंने किया है। नेक्स्ट आईब्रो पर चलते हैं। तो कभी भी क्लाइंट की आईब्रो को पहले चेक करना है कि दोनों आईब्रो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है, तो जो आईब्रो आपको डिफिकल्ट लग रही है, उस आईब्रो को आप पहले बनाओगे। मैं भी इसी तरह करती हूँ। नेक्स्ट आईब्रो में मैं आपको फर्स्ट में कटिंग करके दिखा रही हूँ, एंड मैं पहले ऊपर की साइड की आईब्रो करूंगी। ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नीचे वाली करती हूँ फिर ऊपर वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे लगता है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मैं उसी तरह से कर लेती हूँ। हर टाइप से हमें काम आना चाहिए, एज अ ब्यूटिशियन हर टाइप से हमें काम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हमें नहीं आती है, हम ये चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एंड थ्रेडिंग को करते जाएंगे। ऊपर की साइड से मैंने बहुत हल्के से हेयर निकाल लिए, अब नीचे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ बिगनर्स लोग के लिए हो रहा है। तो देखिए, नीचे की साइड से ना मैं बिल्कुल नीचे से हेयर निकालती हुई आ रही हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं। अगर आप मेरी अदर वीडियो चेक करोगे ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आईब्रो बनाती हूँ, बट ये सिखाने के लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ आप लोगों के लिए।
उसके बाद देखिए नीचे से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है पहले उसको निकाल देंगे, क्लीन कर लेंगे आईब्रो का एरिया, अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे तो हमें ना शेप बराबर समझ में आएगा कि कौन से हेयर को निकालना है एंड कौन से नहीं। तो इस तरह से काम करेंगे तो कभी भी खराब नहीं होगा एंड क्लाइंट कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करेगा। देखिए सिर्फ इसमें टाइम मैटर करता है एंड टेक्निक। टेक्निक तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो डोंट टेक टेंशन। जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, आपको कुछ भी पूछना होगा आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड या फुल ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी जरूर करती हूँ। उसके बाद देखिए मिडल के हेयर बेटा पर हम लाइन वाइज निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे से लाइन वाइज निकालेंगे ना, तो आपको फिनिशिंग लुक मिलेगा आईब्रो में। वैसे अदरवाइज अगर आप बिगनर्स है, पहली पहली बार कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 डेज की आईब्रो को ही आप बनाओगे, अभी आप फुल ग्रोथ आईब्रो को बिल्कुल भी टच नहीं करना जब तक आप ये प्रोसेस नहीं कर लेते। 15 डेज वाली आईब्रो को बना बना कर आप फुल ग्रोथ आईब्रो को बना सकते हो। एज यू कैन सी कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ थ्रेडिंग डन हो चुकी है। इसके बाद आप बार बार इसी तरह की आईब्रो को बनाएंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे चैनल पर बैक टू बैक इससे रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।